स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र प्रांशुक उर्फ लड्डू बाबू की तीसरी पुण्यतिथि उनके आवास वृंदावन में मनाई गई। इस दौरान लॉयंस क्लब ने शहर के जाने माने चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क मेगा जांच शिविर आयोजित कर सैकड़ों लोगों के बीच दवा फल आदि भी वितरित किया। स्वर्गीय प्रांशुखा के पुत्र आनंद प्रांशुखा ने बताया कि उनके पिताजी मानव सेवा को लेकर हमेशा समर्पित रहते थे, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते थे, इसलिए आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर इस तरह का आयोजन किया गया है और यह हर साल आयोजित किया जाएगा। मौजूद लॉयंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय प्रांशुखा ने हमेशा एक अभिभावक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर किया। सामाजिक कार्यों में उनकी हमेशा रुचि रहती थी, जरूरतमंदों की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहा करते थे। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क जांच शिविर आयोजित कर दवा फल आदि का वितरण किया है। जांच शिविर में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, डॉक्टर आर के पप्पू, डॉक्टर नायडू कुमारी, डॉक्टर डीपी गुप्ता, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर नीरव निशांत, डॉक्टर प्रवीण कुमार आदि ने पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच की। मौके पर प्रोफेसर बीएन मधेपुरी, डॉक्टर अरुण कुमार, मनीष सदाब, नीरज कुमार, पशुपति सुल्तानिया, दिलीप खंडेलवाल, इंद्रनील घोष, आलोक चौधरी सहित कई लोगों ने स्वर्गीय योगेंद्र प्रांशुखा के टैली चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज मेरे पापा जी की पुण्यतिथि है, जोन प्रसाद प्रांशुखा लड्डू बाबू की। आज उन्हीं के पुण्यतिथि पर एक मेगा कैंप स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, लाइन्स क्लब के द्वारा हो रहा है। इसमें मधेपुरा के जितने भी नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिलीप सिंह जी, डॉक्टर आर के पप्पू जी, डॉक्टर नवेदिया जी, डॉक्टर डॉक्टर नायडू कुमारी जी, डॉक्टर प्रवीण जी और बहुत सारा है। उसमें मुफ्त सेवा है, मुफ्त निःशुल्क सेवा दवा मुफ्त में दी जा रही है, फल दिए जा रहे हैं, दवा दी जा रही है, सबकी रिपोर्ट जांच हो रही है और बहुत ही सुंदर। मेरे पिताजी की हमेशा इच्छा रहती थी मानव सेवा की और कभी भी किसी तक को किसी हर दर्द को अपना वो समझते थे। उन्हीं को देखते हुए आज हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। भगवान उनको आत्मा को शांति दे और हम लोग का आशीर्वाद हम लोग को बना रहे। तो जो ये आयोजन किया गया है हर साल होगा? हाँ, ये हर साल हो रही है, तृतीय पुण्यतिथि है उनकी। हर साल हम लोग मेगा कैंप पापा जी को लगाते हैं। इसके पहले कोरोना में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था दो गो लाइन्स क्लब को, जिससे कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर काम आया। आज का आयोजन जो है हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष, गौशाला के अध्यक्ष और हम लोग के डॉक्टर आईएमए के बहुत बड़ा समर्थक, हम लोग के सपोर्टर, हम लोग के बहुत हम लोग में जो विश्वास करते थे और बहुत ही समाज में हर सामाजिक काम जो है वो हम लोगों से जोर शोर से करवाते थे, सलाह भी देते थे, मार्गदर्शन का काम करते थे, वो मार्गदर्शक थे हम लोग के। और हम लोग के बीच आज वो नहीं है तो आज उनका तीसरी पुण्यतिथि है, जिसको हम लोग आज उसी के याद में हम लोग एक सभा किए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, उन सभी लोग याद किए। और उनका जो सपना था और उनका जो सोच था ये था कि गरीब को कैसे आप मदद हम लोग मिल के कर सकते हैं। और खासकर हम लोग डॉक्टर कमेटी से आते हैं और डॉक्टर कमेटी क्या कर सकता है एक आम आदमी, एक नागरिक के लिए, गरीब के लिए? वो सबसे पहले डॉक्टर ये काम करता है कि जो गरीब लाचार है उसको मुफ्त जो है उसको हेल्थ सर्विस जो है दे। और हम लोग उसी के आगे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप रखे हैं, जिसमें कि मल्टीपल फैकल्टी का मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, आई है, डेंटल है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, इस सब सारा जो विभाग है सब हम लोग आज जितने भी डॉक्टर हैं, शिशु रोग भी है, सबके डॉक्टर आज हम लोग एकत्रित होके आज उनको ये शुभ काम करके उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने अर्पित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और उनसे इसी तरह हम लोग को जो है प्रेरणा लेते दे ही रहे हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को हम लोग बढ़ाएंगे।
हर साल आयोजन करेंगे और भी हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। और काल सुखा परिवार जो है वो हम लोगों से सब दिन जुड़े हुए रहे हैं। हम लोग बहुत व्यक्तिगत संबंध भी है उन लोगों से, पारिवारिक रिश्ता भी है, और सामाजिक जो भी काम होता है उसमें सब आदमी मिलजुल करते हैं, बच्चर भी भाग लेते हैं। यही हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंप का आयोजन किए हुए हैं, जिसमें कि अभी बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया है। हम लोग उसको बारी बारी से देख रहे हैं। इसमें जो भी पेशेंट को जितना दवाई हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं दे सकते हैं देंगे। इसके अलावा जिसको किसी को ज़रूरत होगा उसको हम लोग अपने अपने क्लिनिक पर उसी प्रिस्क्रिप्शन पर हम लोग उसको देखेंगे, जो ज़रूरत होगा उसमें मदद करेंगे। यही हम लोग की सच्ची श्रद्धांजलि है। क्या